हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का पार्ट टू कवर करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और जानते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में जानकारी बटोरेंगे और इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपकी समझ इस चैप्टर को लेकर और ज्यादा बढ़ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स, सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट दो टाइप के होते हैं। पहला सेक्टर ऑफ क्रेडिट होता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और दूसरा सेक्टर ऑफ क्रेडिट होता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फ्रेंड्स, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट वो सोर्सेज होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस या कॉर्पोरेटिव्स। फ्रेंड्स, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट वो होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स एंड मच मोर। फ्रेंड्स, 1919 से पहले जितने भी लोन्स लिए जाते थे वो सभी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन से लिए जाते थे, लेकिन 1990 के बाद बैंक्स ने लोन फैसिलिटी शुरू करी तो 50% से भी ज्यादा लोन्स अब बैंक या फॉर्मल सोर्सेज से लिए जाने लगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना था कि बहुत से लोग इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन से लोन लेना पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन सोर्सेज से लोन लेने के क्या रीजंस है या लोग इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को क्यों प्रिफर करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में ये बात भी जान ली थी कि फॉर्मल रिसोर्स से लोन लेने के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या चीज चाहिए होती है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो हमें इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में कुछ भी नहीं चाहिए होता, केवल हमारे ऊपर लोगों का म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। इसमें कोई कोलैटरल भी रिक्वायर्ड नहीं होता। सारे के सारे लोन्स म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। पर फ्रेंड्स, जनरली ये चीज देखी जाती है कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही हाई होता है। फ्रेंड्स, फॉर्मल रिसोर्सेज ऑफ क्रेडिट को तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, इस वजह से वहां पर इंटरेस्ट रेट इतने हाई नहीं होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल रिसोर्सेज में कोई भी इंटरेस्ट रेट को गवर्न नहीं करता। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि क्या रीजन है कि बहुत ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट पर डिपेंडेंट है या क्रेडिट प्रिफर करते हैं। फ्रेंड्स, इसका पहला रीजन है कि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि हर जगह पर, जैसे कि रूरल एरियाज या आउटस्कर्ट वाले एरियाज पर बैंक नहीं पाए जाते। सेकंड रीजन है कि बैंक से डील करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमें बैंक से लोन लेते वक्त प्रेजेंट करने पड़ते हैं, तो इसलिए ही बैंक से लोन लेना बहुत ही डिफिकल्ट होता है इन कंपेयर टू इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से। फ्रेंड्स, थर्ड रीजन ये है कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है वो बहुत केसेस में बिना कोलेट्रल यानी कि किसी भी चीज को बिना गिरवी रखे हुए लोगों को लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और बैंक में ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ बैंक में कोलेट्रल हमें सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है।
और फोर्थ रीजन ये है कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, यानी कि मनी लेंडर्स और रिलेटिव्स लोगों के साथ हमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के भी हम लोग लोन ले सकते हैं। इसी वजह से इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन लेना बहुत आसान हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने सेक्टर ऑफ क्रेडिट के बारे में जान लिया। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, मेंशन फोर फीचर्स ऑफ ईच। फ्रेंड्स, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता सकते हैं? जी हाँ, हमने अभी पढ़ा कि क्रेडिट के दो सोर्सेज होते हैं, जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल। चलिए अब एक एक करके इनके कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये टेबल फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के फीचर्स को प्रेजेंट करता है। चलिए पहले हम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के फीचर्स को जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका पहला फीचर है कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, और इसी के कंट्रास्ट में इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कीप कोलेटरल फ्रॉम द बोरोवर्स फॉर ग्रांटिंग लोन्स, और इन कंट्रास्ट देयर इज नो नीड टू कीप अ कोलेटरल इन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। फ्रेंड्स, हमने अभी अभी जाना था कि पुअर हाउसहोल्ड ज्यादातर इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर कोलेटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए दोस्तों अब थर्ड फीचर जान लेते हैं। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करती है। फ्रेंड्स, अर्बन हाउसहोल्ड ज्यादातर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ही डिपेंड करते हैं। इसी के कंट्रास्ट में देर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज नहीं करती है। यही रीजन है कि यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट फीचर को जानते हैं। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। इन कंट्रास्ट, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड मनी लेंडर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये कोलेटरल का एक अल्टरनेटिव है। फ्रेंड्स, यहाँ पर लोग एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 15 से 20 मेंबर होते हैं, जो सेम विलेज को बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में इस ग्रुप का हर मेंबर इस ग्रुप को अपनी सेविंग देता है। फ्रेंड्स, जो सेविंग होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये सेविंग 25 रुपीज से 100 रुपए तक हो सकती है। फ्रेंड्स, इस ग्रुप में जब भी किसी ग्रुप मेंबर को लोन की जरूरत होती है तो वो ग्रुप मेंबर इस ग्रुप से ही लोन ले लेता है एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और फ्यूचर में इसे रीपे कर देता है। फ्रेंड्स, अगर कोई ग्रुप 1 से 2 साल तक सेविंग इकट्ठे करने में और लोगों को लोन देने में रेगुलर है तो बैंक लोन दे सकता है। जो बैंक है वो लोन इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर सेंक्शन करेगा। फ्रेंड्स, अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप ही एक अल्टरनेटिव है कोलेटरल से बचने का और बैंक से लोन लेने का। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमें ये चैप्टर रिवाइज भी हो जाए और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ भी आ जाए। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, असेस द स्टेटमेंट। यानी कि जो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट है वो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल है,
तो इस स्टेटमेंट को एसेस करिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है मोर लेंडिंग वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, एंगेज इन बिजनेस एंड सेटअप स्मॉल इंडस्ट्रीज। यानी कि जो ज्यादा लेंडिंग्स होंगी वो हायर इनकम को लीड करेंगी, जिसके वजह से पीपल एनकरेज होंगे एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस में एंगेज करने के लिए और स्मॉल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। चीप क्रेडिट विल एनेबल मोर इन्वेस्टमेंट, दिस लीड्स टू एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, जो भी चीप क्रेडिट होते हैं वो एनेबल करते हैं मोर इन्वेस्टमेंट को, जो कि एक्सेलरेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। चीप क्रेडिट वुड ऑल्सो अलाउ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू एक्सेस फॉर्मल सेक्टर ऑफ लेंडिंग एंड गेट रिड ऑफ फ्रॉम इनफॉर्मल मनी लेंडर्स। यानी कि जो चीप क्रेडिट होंगे वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अलाउ करेंगे कि वो फॉर्मल सेक्टर से लेंडिंग को एक्सेस कर सके और उन्हें इनफॉर्मल मनी लेंडर से छुटकारा मिलेगा। अफोर्डेबल क्रेडिट वुड ऑल्सो एंड द साइकिल ऑफ डेब्ट ट्रैप। यानी कि जो अफोर्डेबल क्रेडिट होगा वो डेब्ट ट्रैप की साइकिल को खत्म करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है चीप एंड इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट वुड इंस्पायर बेटर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड दस इंक्रीज कंपटीशन। यानी कि जो चीप और इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट होंगे तो वो इंस्पायर करेंगे बेटर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी को, जिसके वजह से कंपटीशन बढ़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर लोन्स बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स, सजेस्ट एनी 5 मेजर्स। चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स शुड बी मेड इजियर एंड एक्सेसिबल टू देम। यानी कि जो प्रोसेस है लोन प्रोवाइड करने का उसको इजी और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना चाहिए, पुअर फार्मर्स और पुअर वर्कर्स के लिए। लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स एंड कोऑपरेटिव शुड बी ओपन इन द रूरल एरियाज। यानी कि रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा बैंक और कोऑपरेटिव्स ओपन होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक्स एंड कोऑपरेटिव शुड एक्सपेंड देयर फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स सो एज द डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। यानी कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को अपनी फैसिलिटीज एक्सपेंड करनी चाहिए ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स, जिससे कि जो पुअर फार्मर्स और वर्कर्स है उनका इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के ऊपर से डिपेंडेंस कम हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। स्पेशल फोकस शुड बी पेड ऑन पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है लोन प्रोसेसिंग शुड बी सिंपल, फास्टर एंड टाइमली। यानी कि लोन का जो प्रोसेस है वो सिंपल होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और टाइम पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोन की रिक्वायरमेंट किसी पर्सन को अभी है और उसको वो लोन फ्यूचर में किसी डेट पर मिलता है जब उसे उस लोन की रिक्वायरमेंट ना हो। चलिए फ्रेंड्स, अब थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज मनी, व्हाई इज मॉडर्न मनी करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फ्रेंड्स, चलिए अब इसके आंसर को देखते हैं। मनी इज एनीथिंग विच हैज कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी कि मनी हम किसी भी चीज को कह सकते हैं जो कॉमनली एक्सेप्ट की जाए सभी के द्वारा एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने के लिए, अ मेजर मेजर करने के लिए और एक स्टोर वैल्यू के लिए।
चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि मॉडर्न करेंसी क्यों एक्सेप्ट की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, मॉडर्न मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि ये ऑथराइज्ड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इट इज इशूड बाय एपेक्स बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये एपेक्स बैंक के द्वारा इश्यू की जाती है। फ्रेंड्स, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन करेंसी को इश्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि नो अदर इंडिविजुअल इज अलाउड टू इश्यू करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई भी इंडिविजुअल इंडिया की करेंसी को इश्यू नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, द लॉ ऑफ द कंट्री लीगलाइज इट्स यूज एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट एंड सेटिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि जो कंट्री का लॉ होता है वो लीगलाइज करता है इसके यूज को एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट और सेटिंग ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट है, नो वन इन अ कंट्री कैन रिफ्यूज पेमेंट मेड इन करेंसी, यानी कि कोई भी पर्सन कंट्री में रिफ्यूज नहीं कर सकता पेमेंट मेड इन करेंसी। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। चलिए जानते हैं आज हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या सीखा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में जाना, उसके बाद हमने रीजंस फॉर डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सेक्टर्स जाने, उसके बाद हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में जाना कि कैसे ये एक अल्टरनेटिव है फॉर्मल सेक्टर का, और उसके बाद हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर को और अच्छे से समझने और पढ़ने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।